जमीन विवाद दो पक्षों के बीच इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मार दी और फरार हो गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक को ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उसे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना सागर रोड के ललौनी तिगैला की बताई जा रही है। सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी लगते ही सीएसपी सहित पुलिस अमला मौके पर पहुंच गया। हमलावर घटना को अंजाम देते ही फरार हो गया। घायल ब्रजेश तिवारी नोटरी के वकील जगदीश तिवारी का बेटा है और सागर रोड पर बगौता तिराहे के आगे उसका घर होना बताया जा रहा है। इसी रोड पर उनकी पैतृक जमीन भी है। सागर रोड की उनकी इसी जमीन का किसी अन्य से कोई विवाद चल रहा है और ये घटना उसी से जोड़कर देखी जा रही है। सागर रोड पर ब्रजेश तिवारी जिन्हें गोली मारी गई, उनका जमीन को लेकर विवाद था। उसी में उनके ऊपर आप भी कुछ देर पहले गनशॉट किया गया और उसमें इनको अस्पताल लेके गए थे, जहाँ से इनको ग्वालियर रेफर किया गया है। उसमें जो आरोपी है उसकी तस्दीक की जा रही है, क्लियर बता नहीं पा रहे वो कौन है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।